खबर यूपी के मुरादाबाद देहात से, जहां पर मुंडा पांडे खंड विकास में आने वाले दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्रों का बुरा हाल है। यहां ना तो सफाई और ना ही स्वच्छता पर कोई ध्यान दिया जाता है। ये जो आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनवा, कितने दिनों से बंद पड़ा? लगभग 6-7 महीने से बंद पड़ा। क्या क्या परेशानी है इसका? परेशानी क्या है, एक तो हमने जाकर देखो इतनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। कोई भी आदमी दौरे को जाता है देख कर ना उसका कर जाता है। और इसमें जो है कि क्या कुर्सी वर्सी की सुविधा कुछ नहीं है। और क्या नाम है, लैट्रिन बाथरूम इसमें बनोगे, इसमें जाकर गंदगी देखो, कुर्सियाँ तो ना टेबल है। अगर कोई अधिकारी आता है तो उसे क्या नाम है, दूसरे के पड़ोसी के घर से मांग कर लाकर बैठाते। अच्छा, इस चीज़ की शिकायत आपने ग्रामवासियों ने किसी अधिकारी से करी? नहीं, हाँ करी थी, लगभग 2-2.5 महीने पहले करी थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आपके यहाँ का ग्राम प्रधान कौन? रईस प्रधान है। आपने उससे शिकायत करी? जी, उनसे भी करी। उन्होंने भी कोई गौर नहीं दी? उन्होंने भी बोले हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, करा देंगे, सफाई कराएंगे। अगर ये आंगनबाड़ी केंद्र चालू हो जाए, बच्चे पढ़ लेंगे तो क्या सब हो? बिल्कुल, अब क्या साफ सुथरा होगी तो बच्चे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन उनमें जो जो लगे हुए हैं, जो वो है आंगनबाड़ी, जो लेडीज लगे हुई हैं, वो भी नहीं आती हैं, वो भी नहीं देखती हैं आने के। आती हैं हर महीने में, 2-4 महीने में आई बैठी, 10-5 मिनट और लगोगी अपने आटा ले जाती हैं अपने घर में, घरों घर करती हैं कट्टो कट्टे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसकी साफ सफाई हो, और क्या नाम है, जो हमारे इसमें वो लगोगी टीचर, वो भी हटनी चाहिए, उनकी जगह भी दूसरी, अरे उनकी जगह भी दूसरी लगनी चाहिए। वो भी ठीक नहीं है, अपने घरों में रहती हैं और राशन को जो भी मिलता है बच्चों को खाने के लिए वो सब देख देती है। ठीक, आंगनबाड़ी केंद्र में गंदगी पड़ी है, उसका क्या मामला है पूरा? देखिए, ऐसा है, गंदगी पड़ी होने की बात तो ये है कि वहाँ पे जो स्कूल में केंद्र बने हुए हैं आंगनबाड़ी भवन, तो उनमें स्कूल वाले ही उनके जो सफाई करने लगे हैं, या प्रधान के हैं जो सफाई करने लगे हैं वो सफाई कर रहे हैं, या फिर सहायिका जो है उनकी ड्यूटी है कि वो डेली आके सुबह को केंद्र की सफाई करें और उसमें आंगनबाड़ी के केंद्र लगाए। ग्रामीणों का यही आरोप लगाया कि वहाँ पर आज तक आंगनबाड़ी केंद्र खुला ही नहीं है, और ना ही उसमें कुछ जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए वो जाती है आंगनबाड़ी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, आंगनबाड़ी तो हमेशा जाती है, और क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र खुलता भी है, लेकिन उसके आसपास जो गंदगी है वो सब प्रधान का जिम्मेदारी है, और चौथवें से उसको क्या कहते हैं, प्रधान को ही उसको डेंटिंग पेंटिंग और जो उसकी साफ सफाई है, साज सज्जा है, वो भी चौथवें से करानी है। जैसे कि मैडम, वहाँ पर कुर्सी की या बेंचों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसके लिए क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी को समय समय पर जो कार्यालय से मिलता है वो तो टाट पट्टी या दरिया वगैरह दिलवाई ही गई हैं, लेकिन उसके अलावा भी इन लोगों के पास 1,000 रुपये हर साल फ्लेक्सी फंड में आता है, और इस साल अभी जनवरी में इन लोगों के पास 2,000 रुपये फ्लेक्सी फंड का आया है, जिससे इनको ये कहा गया है कि ये लोग सामान खरीदने के इन संबंधी जो भी इनको ज़रूरत है, चाहे वो टाट पट्टी है, चाहे दरी है, चाहे कुर्सी है या मेज है, और उसका बिल ये जो है कार्यालय में प्रस्तुत करें। मैडम, ऐसे मोड़ा पांडे ब्लॉक में बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जी, सबकी हालत जर्जर हालत में खड़े हैं, और जो खुलते ही नहीं है उनमें गंदगी है बहुत ज़्यादा। जर्जर हालत में जो खड़े हैं, देखिए वो तो चौथे वित्त से प्रधान को करना है, और जर्जर भवन जो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुके हैं उसकी सूची हम जिले पे दे चुके हैं कि उसके लिए विभाग ने कहा था कि पैसा देंगे, अभी वो पैसा आया है नहीं आया है, कल तक बात हो रही थी कि वो पैसा आने वाला है, अगर वो पैसा आ जाएगा तो वो उसको प्रधान को दिया जाएगा या किसी मल्टी सेक्टोरियल या आरएस जिस भी कंपनी को, जिस भी उसको दिया जाएगा ठेकेदार को, उसको उस ठेके पे देके सही करवाए जाएंगे। बकाया जो है वो प्रधान के द्वारा ही, थोड़े बहुत जो जीर्णोद्धार होना है वो उनके द्वारा होना है, भवनों में टाइल लगने का काम उन्हीं को कराना था।